وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلين فما كان دعواهم إذ جاءهم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والرسل يومئذ حق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ये किताब जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, ऐ रसूल, तुम्हारे रसूल में कोई तशद्दुद नहीं किया जा सकता इसकी तरफ से, और ये किताब इसलिए नाजिल की है ताकि तुम इसके जरिए लोगों को डराओ और ताकि ये ईमान वाले के लिए नसीहत बन जाए। ऐ लोगों, जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है सिर्फ इसका इत्तेबा करो और इसके दूसरे ग्रंथों का इत्तेबा न करो, लेकिन कम है तुम से हासिल करते हैं कितनी बच्चियाँ हैं जिनको हमने हलाक किया है, फिर उसके पर हमारा आजाद आया है उस वक्त जब से रात का वक्त था और उसके बाद इस आजाद के आने के बाद उनके चलने के लिए तेजाब न थी सिवाय उसके यूँ कहे कि अरे हमारे परवरदिगार अभी यकीन आप जरूर किसी में सवाल करेंगे उन लोगों से भी जिनकी तरफ पैगाम भेजा गया और उनसे भी जो पैगाम लेकर आए और उसके बाद हम जरूर उनके सामने बयान कर देंगे वो सब कुछ उन्होंने क्या, और उसके बाद हम उनके सामने बयान कर देंगे सब कुछ पूरी जानकारी के साथ क्योंकि हम गैर हाजिर नहीं थे और वजन तो उस दिन सिर्फ हक का होगा तो जिसके कलमे धारी हुए कई लोग हैं जो कामयाब थे और जिसके कलमे हल्के हुए वही है जिन्होंने की जान का नुकसान ले लिया थे, इसलिए कि उन्होंने हमारी आयतों के साथ सुन किया। इंसानों, हमने तुम्हें जमीन में प्यारा के साथ बताया है और तुम्हारे लिए हमने यहाँ सामान जीत करार किया है, मगर सब लोग हैं तुमने से जिनमें कैसे किया जाता है। जमाना इसके नाजिक होने का वो है जब गुरु अक्सर का अलग नदी में जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हाल में उनके जोर पर जरूर पर बर्दाश्ता यदि आप सोचते हैं कि शायद जिसके पैगाम में आप पहुंचाने के लिए जरूर हो रहा है उसकी बिना पर ये कामयाबी नहीं मिलेगी, यदि आप दूसरों की महालत की बर्दाश्ता होते हैं इलाका समझेगा कि मैं तो एक हक पैगाम पहुंचा रहा हूँ जो मेरी हिफाजत करेगी, यदि आप अपने रास्ते पर जाते हैं तो शायद मैं भी बदलती खुदा बताने जा रहा हूँ। आपकी अक्सर रातें बंदगान खुदा की हिदायत के लिए दुआएं बात की जाती है, ये आ रहा है और ये आ रहा है,
काफी छठी बनाइए एक दूसरे की तकनीक है जो मजबूत उसमें बयान किया गया था उसकी मजबूत से राहत से आराम उसका जमाना मजबूत होता है तकरीबन 12 सन 63 का होता है पूरे मुस्लिम की बयान किया गया है वो ये है आखिरी आयत में से अनाज की कहा गया था भगवत लगी जालकुम खलाइक अल्लाह क्योंकि अल्लाह ने तुमको बनाया है जमीन से किसी कौम के जिस अल्लाह ने तुम्हें किस कौमों का खलीफा बनाया है तुमसे पहले बजाने तुमसे कमी गुजर चुके हैं तुम आए हो फिर अभी के बाद ऐसे ही एक स्थिति चले जाओगे दुनिया में किसी कौम का दबदबा या उरूज ऐसा नहीं रहता है अल्लाह को तआला ने निर्जाय के गर्व दिया और इंसान की आजादी इसलिए है कि वो अल्लाह के इतारे के पैगाम निर्जाय को निर्जाय तस्वीर करे उसके मुताबिक अगर आदमी इसमें नाकाम रहता है या सबारा हुआ है तारीख में लगा पड़ता रहा है कि ले जाने किसी कौन है आफत का नाश किया है सूबत का नाश किया है जल्दियत का नाश किया है या फिर गौरत का नाश किया है जाने तारीफ कर दिया है आदाश में गुजरा हो तीन तारीख बदल क्यों जा रही है आज भी जो लोग पैगाम आपके इंतजार करेंगे अल्लाह ताला का दीन उसका कुरान ऐसा हुआ और ये कारण भी है कि अल्लाह ताला इस पैगाम को दावत को इस कुरान को नाकाम कर पाए ये मतलब ही मजबूत है और आखिर में सिर्फ पूरा मतलब तरीके बताए गए हैं ये बात करने का तरीका क्या होता है अंदाज क्या होता है दावत किस तरह की जाए लोग किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए किस तरह से दिल से बात रखी जाए वो तरीके से बताए गए साफ मालूम होता है कि ये मुसीबत है जो लोग अलविदाई अंदाज उन्हें चलचलाओ में नदी सबसे कहने वाले नदी में इस्लाम की ताकत का जोर होने वाला और जल इस्लाम की ताकत से लिखने आने वाला और उस वक्त मुसलमान की सारी दुनिया सारी कपोलियाँ खत्म हो जाएंगी बात है तो और वो जात का तरीका मालूम होता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस बात का दावा इंसानत जिसके मौके ये है और तरीके तकलीर एक तकलीर जो पूरी तरह से लगा कर दिया इस्लाम की बात ये जो मतकार से मैं आपको बता सकता हूँ कि उसके रसूल अल्लाह का रास्ते ही जाता है उसके लिए ग्राफ नहीं करते लेकिन असल में यार अभी तो सीखा है किसी भी बात को जोर देने के लिए आया है लोग
القرآنين قال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك. ये एक किताब, ये एक किताब है कुरान करीम नहीं, ये तो यार आप ये किताब है उनकी लंबाई जो माउंट रखता है उसकी लिए या कुरान करीम से सुन सकते हैं कि किताब है ये कुरान करीम जो तुम्हारे रखता है उसकी लिए फला ये तो कि ये सब की जहारत है तो तुम्हारे दिल में कोई जनाजिश नहीं हो सकता. ये अपने अंदर मतलब वो बुरे सारे जो आते हैं उसके बारे में अल्लाह ताला याद दे रहा है कि जो मुखालफतें तुम्हारी कर रहे हैं उसकी भी नेमत क्या है. कभी तुम्हें यह ख्याल होता है कि शायद मुझे कोई कोताही इसलिए हो रही है. कभी तुम सोचते हो कि ये मुखालफतें मेरी कर रहे हैं कि कामयाबी भी मिलेगी नहीं मिलेगी, इस्लाम की दावत कामयाबी नहीं मिलेगी. स्थिति में बोला बहुत जगह लगा कि मैं फिर ताहा में कि ताहा बाहंगल में आने कर कुरान कर था हमने कुरान से खाली नहीं किया है रसूल कि तुम इसमें दुख करके रह जाओ, तुम्हारी जाति की नहीं हराम हो गई, तुम्हारी सेहत की टाइप से नहीं होगी, तुम्हारे लोग इसी हमने डूबे रहते हैं और बस अच्छे रहते हैं कि बहुत निराश से नहीं देखती और आखिर इस नाम का अंजाम क्या होगा. नाम का गलत हुआ तो नहीं होगा और वह इसी से मुस्लिम रहते हैं. इसके गौर लगा गया कि ये एक बात जो अल्लाह की तरफ से तुम्हारा जाति काम है ये तुम्हारा इंसान नहीं करता है फिर ये तो तुम्हारा इंसान है. इनकी लड़ाई मुझसे है बिल्कुल नहीं. ये किताब मुझे ना दीजिए तुम्हें नहीं बनाई है मन से नहीं करी है तो हमने ना दीजिए हमारी तरफ से ना दीजिए. लिहाजा इस सारे दावत को तकलीफ तक पहुँचा है और इस किताब को कामयाब करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी से दी है कि तुम किताब की कमादार रहो इसके भाव रखो इस वचन को. लेकिन ये कामयाब विश्वास ही होगा हमारा काम है हमारा किताब उनकी लग गई ये किताब से दिखाई कैसे लगे फला ये तुम कि ये सब रिकहारा दिन लिहाजा तुम्हारे दिल में कोई तजुर्ब नहीं हो सकता ना ये तजुर्ब की चाहे ये किताब है कि नहीं ना ये तजुर्ब से मुझे कैसे हवाले सुनाई देती है ना ये तजुर्ब के मैं इस्लाम की दावत आपको फैलाने के लिए ऐसा जो मैंने कौन सा कदम उठाऊँ कौन सा ना उठाऊँ जिसका मेरे खिलाफ हो जाएंगे कामयाबी होगी कि नहीं होगी कोई फर्क कोई भी कोई भी तंग नहीं होना चाहिए. इसमें कोई गुजर नहीं होनी चाहिए. यह अल्लाह की तरफ से जारी की किताब है. भला ये तुम इस तरह की सहारा से देखो लिहाजा आपके दिल में आए रसूल इस्लाम कोई भी झिझक न हो कोई भी तजुर्ब न हो कोई भी इकदाम हो के वक्त आपको जरा भी बात नहीं होना चाहिए. कोई खतरा किसी को नहीं होना चाहिए किसी का खौफ नहीं होना चाहिए. कोई लौट चलाए किसी के सलामत करने का डर कोई आपके दुख देगा कोई आपके खिलाफ एक्शन ले लेगा कोई आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा ऐसा कोई भी दिल में आप ख्याल खड़ा है. क्योंकि इस मिशन को कामयाबी तक पहुँचाना ही हमारा काम भला एक दिन की तरह कहा रखी दिल से हमारे दिल में इससे कोई दिक्कत न हो अगर तू लेकिन मेरा दिल ही वैसे करा रही है. और इस किताब को हमने नाजिल किया है दो मकसद ताकि इनकार हो डराए ये लोगों को तुम डरा ताकि तुम डराओ इसके जरिए लोगों को. ये एक तबाही तुम्हारा इंतजार कर रही है दुनिया और आखिरत में तुम तबाह हो जाओगे अगर तुमने इस किताब को और इस दावत ने दिखलाया और इसे बोला ये डराना तुम्हारा काम है. इस सारी दुनिया को डराओ इसमें डरा दीजिए वैसे करा रही हूँ और इस वक्त ईमान लाने वाले हैं उनके लिए ये मुसीबत हो जाए. जो इस पर ईमान लाने वाले नहीं है उनके लिए ये डरावा है और जो इस पर ईमान लाने वाले हैं उनके लिए फायदा इसे वही उठाते हैं जो इस पर ईमान लाते हैं जो अपने होते हैं जो गैर है उनके लिए डरावा है आगाही है शासन है तब्दील है गैरों के लिए और जो अपने हैं उनके लिए नियत है याद रहा है फायदा इसे अपने उठाते हैं. इससे मालूम हुआ कि जो इससे फायदा उठाए वही अच्छे हैं
अल्लाह के सिवा करो अल्लाह की मुखालफत किसी और किसी में नहीं करो।
इसलिए तुम्हारा घर का करना सुधार है कि घर ही से गरीब बनना चाहते हो। अल्लाह ही गरीब हासिल कर दे, अल्लाह ही हमारा ऐसा प्रयत्न कर दे। ये घर है इसको करना चाहिए जीवन के रंग करते हैं, जब घर नहीं है तो गरीब करते हैं। अल्लाह माफ कर दिया, मगर कम है जीवन के रंग करते हैं। अल्लाह माफ कर दिया, कम है तो है जीवन के रंग करते हैं। अब इसका है लाइफ Gracias.
पूरे इल्म के साथ सब कुछ कौन क्या था पहुंचाने वाले ईमानदारी से पहुंचा रहे थे कि नहीं पहुंचा रहे थे और न मानने वाले क्यों झुटला रहे थे, अंधे हो गए थे दुनिया के मफादात में, सस्ती लज्जतों की खासे पागल हो गए थे, हमें आखिरत को भूल गए, हमें भूल गए, हमारी अजमतों को भूल गए, हमारे एहसानात को भूल गए, हमारी नेमतों को भूल गए, जिंदगी में हमारी फरमा बरदारी का रंग नहीं आया, औरों की दाद कबूल की, औरों के आगे सुन चुका है, हम सब पूरे इल्म के साथ बताएंगे, इसलिए थोड़ी पूछेंगे हम, जिनके पास पैगाम भेजा उनसे भी पूछेंगे और जो पैगाम लेकर आए उनसे भी पूछेंगे, तो इसलिए थोड़ी पूछेंगे कि हमें खबर नहीं है, हमें सब खबर है, तक सब नाल ही इल्म, हम पूरे इल्म के साथ खुद बयान करेंगे,
पूरे इनके साथ वमाकुन्ना गायबीन, आखिर हम कहीं गैर हाजिर तो नहीं थे, वमाकुन्ना गायबीन, हम कहीं गैर हाजिर तो नहीं थे, हम तो सब कुछ देख रहे थे दुनिया में, इस रज़गाह आपको बादल में, आपको बादल की इस खुशबू को अपनी आंख से हम मुशाहदा कर रहे थे, सब कुछ हमारे आंख के सामने हो रहा था, हमें पूछने की जरूरत ही क्या है, रसूलों से या कौमों से पूछने की जरूरत ही क्या है, हम तो इसलिए पूछेंगे ताकि उनके इस्तेमाल कर दें, ताकि मुंह बंद कर दें, ताकि कहने के लिए कोई बात न रहे किसी के पास, ताकि कोई यूं न कहे कि खुदा तुमने इंसाफ नहीं किया, हम तो इसलिए पूछेंगे कि ताकि हमारे जवाबित के तकाजे पूरे हो जाए, ताकि हमारे हुकूमत और हमारे निजाम का की बाकायदगी सामने आ जाए, मगर हम पूरे इल्म के साथ पूछेंगे, जियालत के साथ, और हम खुद हाजिर हैं, खुद देख रहे हैं, हम गैर हाजिर नहीं, और नकुतन अलैहिम बिइल्म वमा कुन्ना गाइबीन, वल वज़न यौमैज़िन हक, और वजन उस दिन जिस सच्चाई में हो, वल वज़न यौमैज़िन हक, वजन उस दिन जिस सच्चाई में हो, बादल के सारे कारनामे चाहे वो कितने भी शानदार हो, उस दिन कोई कीमत नहीं पाए, कोई वजन नहीं पाए, दुनिया में बड़े शानदार कारनामे उधर उधर बजा के रखती है, क्या क्या दुनिया के दो दो तिहाई के ऊपर कब्जा करके दिखा दिया है, ऐसे ऐसे जंगी सुरम आए जो दुनिया की तारीफ को उलट के भेज दिया है, अपनी तलवारों से बड़े बड़े शानदार कारनामे दुनिया में इमारतों के, साइंस के, टेक्नोलॉजी के, रॉकेट उड़ाए हैं, आसमान में छेद किए हैं, बड़े बड़े शानदार कारनामे, लेकिन उस दिन वजन सिर्फ हक में, सिर्फ हक में हो, सिर्फ सच्चाई में, और बाकी सारी चीजें बेवजन हो जाएंगी, वो तराजू जो खुदा वहां से करेगा वो सिर्फ सच्चाई को तोले, बाकी तोलेगा ही नहीं, उसका वजन शो ही नहीं होगा उसके अंदर, जैसे कि आप लैब में जाकर के टेस्ट कराते हैं, यूरिया टेस्ट कराते हैं तो यूरिया ही शो होता है, ये शुगर है तो खाली बता देता है आप इतनी शुगर है, ये यूरिया सब बता देता है लैब में, वही चीज खाली चेक होती है जो आप चेक कराना चाहते हैं, वो तराजू तो सिर्फ तोल के हक ही को बताएगी, माइनस हो जाएगा बादल उसके अंदर, ना तुलेगा ही नहीं, उसका वजन आएगा ही नहीं उसके अंदर, तुलेगा नहीं उसमें, जिस एक्सरे खाली दिल का फोटो आपके खींचता है तो जिसको माइनस कर देता है यार, इस तरह से वो तराजू बादल को नहीं तोलेगी, सिर्फ हाथ को तोलेगी, गलवल नहीं हो मैं हाँ, कैसी तराजू होगी इसको आज हम नहीं जानते, हम आज बहुत सी चीजें चेक कर लेते हैं, बहुत सी चीजें तोल लेते हैं, पहले तो खाली इधर बाट रखे उधर नाच रखा और तोल लिया, लेकिन अब तो हम बहुत सी चीजें तोल लेते हैं, बहुत सी चीजें, हम जो है अपनी हरारत नाप लेते हैं थर्मामीटर से, हम जो है ब्लड प्रेशर बीपी जो है चेक कर लेते हैं, ऐसे आलात हमारे पास है, हरारत को मिक़दार हरारत हमारे पास है, दूरियां नाप लेते हैं हम, ये तमाम चीजें आंख का नंबर तक हम चेक कर लेते हैं, ऐसी तराजू में हमारे पास सामने आंख ले गए और मालूम है कि हमारे आंख का नंबर हमको मालूम है, ये सारी चीजें दुनिया के अंदर जब मौजूद हैं, हवा का दबाव हम मालूम कर लेते हैं कितना हवा का दबाव है, ऐसी तराजू है हमारे पास, तो फिर जाहिर है कि वो एक ऐसी तराजू खुदा वहां पर आवेदा फरमाएगा जो हक को तोल ले, निकाल लेगी तमाम अमाल में हक को और उसको अलग करके दिखा देगी, बिजली को हम तोड़ लेते हैं, स्पीड मीटर हमारे पास होते हैं, हम करंट को वोल्टेज मीटर हमारे पास होते हैं, उसकी ताकत को हालांकि हमें आंख से नजर नहीं आती, हम किसी तरह तोड़ नहीं सकते, लेकिन आज हम तोड़ लेते हैं, तो खुदा तआला वहां वो एक ऐसी मीज़ान जो अमाल को सिर्फ तोड़ लेगी हक वाले अमाल को और बातिल वाले अमाल को माइनस कर देगी, ऐसी वहां अल्लाह ताला फिर फरमाएगा, सकुलत मवाज़ीन हु, जिस रोज भारी हो गया पल्ला किसी का वही कामयाब, हल्का हो गया पल्ला यानी हल्का हो गया उसके अंदर कम है नेक अमाल, अमाल कम कम आए, सारा कुछ तो उसका अपनी बदियों का हिसाब करने में ही निकल गया, हुज़ूर अपने फरमाया तुम जानते हो मुफलिस कौन है, अच्छा दुरूद बनी मुफलिस कारून आलम लाना, लोगों ने कहा अब फरमाया मुफलिस वो है, लोगों ने कहा अल्लाह दीनार, जिसके पास धन दौलत नहीं होता वो मुफलिस होता है, फरमाया नहीं मुफलिस वो होता है क़यामत में अमाल लेकर के आएगा, नेक अमाल भी उसके पास होंगे, नेक अमाल भी उसके पास होंगे, लेकिन इतने बदअमाल उसने किए होंगे ये सारा नेक अमाल उसके बदअमाल के हिसाब से उनमें निकल जाएगा, उसके बाद कुछ बचेगा ही उसी हिसाब में निकल जाएंगे, कामयाब उस दिन वो है, आदमी नेक अमाल भी करता है बदअमाल भी करता है, लेकिन कामयाब उस दिन वो है कि जिसकी नेकियां इतनी हो कि बदअमाल का हिसाब करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं जाता है वो कामयाब है, और जिसकी सारी नेकियां बदामाल के हिसाब से नहीं चली गई वो घाटे में उसका टोटल घाटा हो गया, वो नहीं रहा उसके पास, वो खपत मवाजिन हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुददान किया, जिन्होंने नुकसान कर लिया,
बिमा कानून भी आया बिना यून से उन्होंने हमारी आयतों के साथ जुल्म किया था। घाटा हमने उनको इसलिए दिया कि उन्होंने हमारी आयतों के साथ जुल्म किया था। खुदा की आयतों के साथ कौन जुल्म कर सकता है? खुदा की आयतों में कोई क्या जुल्म हो सकता है? क्या जुल्म है? क्योंकि खुदा की आयतें इतनी आली मर्तबत हैं, ये खुदाए लाइजाल का कलाम है, ये खुदा से निकला हुआ नूर है, ये इतनी आली मर्तबत है कि इनसे एराज करना और इनसे मुंह फेरना और इनसे रूगरदारी करना, ये इन पे ऐसा ही जुल्म है जब जैसे कोई बादशाह आपके पास आए और आप उसे पानी के गिलास को भी न पूछे, ये ऐसा ही जुल्म है। तो खुदा की आयतें हैं ये, बहुत आली मर्तबत है, और कोई आदमी अगर इनको नहीं तस्लीम करता और इन्हें जिंदगी का लाहिया पर नहीं बनाता है तो वो इन आयतों पर जुल्म करता है, वो इन आयतों को हक नहीं पहचानता है, वो इनकी अजमत को नहीं जानता है, लिहाजा वो इन आयतों पर जुल्म कर रहा है। जब जुल्म कर रहा है तो इस बात पर देख नहीं कि वहां खुदा की मेहरबानी और रहमतें इसका इंतजार करेंगे, जाकर वहां पर घाटा ही उसको मिलेगा। और आज यहाँ पे खत्म अल्लाह ताला सब पारा लिखो को तो वलकत मकन्ना तुम फिलाओ और जालना लगो कि यार आइश, हमने बताया तुमको जमीन में, हमने जगह दी तुमको जमीन में, ठिकाना हमने दिया तुमको जमीन में लोगों, और जालना लगो कि यार आइश, और तुम्हारी रोजी के सारे असबाब हमने मुहैया किए इस जमीन में, हम थे कोई और नहीं था तुम्हें रोजी देने वाला, जमीन का ठिकाना अदा करने वाला, लेकिन तुमने कुछ शुक्र नहीं अदा फली लम्बा तुम, लेकिन थोड़े थे तुमने जिन्होंने कोई शुक्रिया अदा किया, औरों का शुक्रिया अदा करते जिन्होंने जमीन नहीं दी, जिन्होंने मईशत के सामान फराहम नहीं किए, उनको ज्यादा अहमियत, उनकी बातों को ज्यादा इंतजाम बनाया और खुदा की आयतों को पीठ के पीछे डाल दिया, उसको इतनी अहमियत नहीं, खुदा की आयतों पर जिस खुदा ने तुमको जिंदगी के सामान दिए उसने माइन रकम मकदा को खिलाऊ मुझे अल्लाह लगू। तो ये गोया पूरी बात है जो पूरी सूरत में कही गई है शुरू से, ये रसूल से ये बात कि ऐ रसूल आपके दिल में कोई तसव्वुर नहीं होना चाहिए, कोई तसव्वुर इस बात पर नहीं कि ये कल्ब हक है, ये गालिब होगा, पीछे हटने वाला नहीं है। बाइबल भी तुमने कहा रसूल आप दिल छोटा मत, कोई तसव्वुर नहीं होना चाहिए, कोई एक्शन लेते वक्त आपके पांव थकाने नहीं जाए, आप सच्चे हैं, सच्चे रास्ते पर, ये किताब खुदा ने नाजिल की है, इसका झुटलाना आपका झुटलाना नहीं खुदा का झुटलाना है, इसका इनकार, इससे लड़ाई खुदा से लड़ाई है, आपसे लड़ाई नहीं, लिहाजा आप किताब भी ले लें मलाइकों से हर जुम्मन, फिर ये इंतजार के लिए नाजिल हुई है, पूरी सूरत का अंदाज यही है, पूरी सूरत का अंदाज, हर रुकू में एक शिकवा एक शिकायत है पूरे। मैंने एक बार रात में इसको वफादारियां मेरे साथ तुमने ये सलूक किए और फिर तुम मुझसे अजर के तलबगार, पूरा ये अंदाज पूरी सूरत का आखिर तक यही अंदाज, तमाम रसूलों की तारीफ पेश करता है आगे चल रहा, तुमने मूसा के साथ भी किया, अरे लोगों तुमने ईसा के साथ भी किया, अफसोस तुम पर जो रसूल तुम्हारे पास आया तुमने उसका हमेशा मजाक किया, तुमने उनके राह में पत्थर ही फेंके, जिंदगी में कभी उनके दाबते को पसंद नहीं किया, दूसरे को बताया दाबते तुमने भूल किए, उसको बताया तुमने जिंदगी गुजारी, पूरा यही इंतजार पूरे सूर्य आ रहा। तो ये इंतजार पूरे में इंतजार है और जिक्रा है वो उम्मीद के लिए, और ए लोगों तुम सिर्फ अपने रब में इत्तेबा करो, तुम अल्लाह की महाबत ना करो, दूसरों के आगे अल्लाह की महाबत और दूसरों के आगे मत झुको, वरना तबाही बर्बादी तुम्हारी मुतरदी होगी। अल्लाह का हक पहचान है, उसका एहसान पहचान है, वो तुम्हारा रब है, वो मालिक हकीकी है, वो तुम्हारा वली बराबर है, ये है उसका मरकजी मजमून, ये पूरी तरह से अगर आप सामने रखें तो आपको पूरी तरह से इस्लामी फाब ये किताब है जो हमारी तरफ से नाजिल की गई। तो ऐ रसूल आपके दिल में जरा भी तजस्सुम नहीं रहना चाहिए, और ये किताब हमने नाजिल की है इसलिए ताकि तुम इसके जरिए डराओ गैरों को और ताकि मोमिनीन के लिए ये नसीहत बन जाए। ऐ लोगों पैरवी करो उस चीज की जो तुम्हारे पर नाजिल की गई है तुम्हारे रब की तरफ से, और अपने रब के मुकाबले में दूसरों की पैरवी ना करो, मगर कम है तुम में से जो नसीहत हासिल करते हो, न जाने कितनी बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक किया, फिर उन पर हमारा अजाब आया है ऐसे आलम में कि लोग रात में सो रहे थे या दिन में आराम कर रहे थे, पहर में आराम कर रहे थे, फिर कोई बात न थी उनके पास कहने के लिए सिवाय इसके कि यूं कहें कि ऐ हमारे परवरदिगार हम ये मददगार जुल्म हमने नहीं किया,
तो ऐसा है कि यकीनन हम सवाल करेंगे उनसे भी जिनकी तरफ हमने पैगाम भेजे और उनसे भी जिन्हें हमने पैगाम देकर के भेजा है, और फिर हम खुद बयान करेंगे सारे सरदस्त लोगों के सामने पूरे इल्म के साथ, क्योंकि हम कहीं गैर हाजिर नहीं, और वजन उनसे सिर्फ सच्चाई में होता है। फिर जिसके पलड़े भारी हुए वही लोग हैं जो कामयाब होने वाले, और जिनके पलड़े हल्के हुए तो वही लोग हैं जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया, क्योंकि वो हमारी आयतों पर जुल्म कर रहे हैं। और हमने इंसान और तुमको जमीन के अंदर ठिकाना दिया है और तुम्हारे लिए जराये मैशत प्रहार किए, लेकिन कम है तुम में से जिन्होंने हमारा किया था। हमने पर कराए पर अर्थ हो तुम खलीफा हो दूसरे कौमों के, ज्यादा इसकी कोई गारंटी नहीं तो हमेशा तुम ही रहो, हमारे बाद दूसरी कौमें आएंगी, न जाने कितनी कौमें तबाह बर्बाद हुई तुमसे पहले थी, तुम भी तबाह बर्बाद हो जाओ। वही कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे लगातार बात कह रहा है कि न जाने कितनी कौमें दुनिया में आएंगी तबाह बर्बाद हुई, दिन रात दहाड़े या रात के अंधेरे और फिर दूसरी कौमों को खुदा ने उठाया, तो वही मजबूत गाय कितने निकल गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला